What's up, guys? How are you? Hope all are you doing good. So, today is our lecture number five, in which we are trying to cover loops in C language and uh, try to learn more and more operations of operators in these loops. So, let's start it and try to learn it very deeply. फर्स्ट थिंग वी अंडरस्टैंड इन प्रीवियस वीडियो दूस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कंडीशनल स्टेटमेंट तो आज के वीडियो में हम लोग जो अब इसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम है ये लोग आपको मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दिए है वहां से आप लोग कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं तो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली लूप्स का यूज कहाँ पे होता है ठीक है ये चीज अपन समझेंगे आज की लूप्स का यूज कहाँ पे करना है लूप और लूप को कैसे यूज करना है उसके टाइप्स कितने होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीजें अपन अभी समझ लेंगे तो हेडिंग लगाते हैं लूप्स तो लूप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं जैसे अगर आपको कोई चीज प्रिंट करने को सी लैंग्वेज में दी जाए कि जैसे मान लिया कोड फॉर मोड ही है ठीक इसको आपको प्रिंट करना है ठीक आपसे बोला जाएगा कि दस बार प्रिंट कर दो ठीक टाइम्स अगर आपको यही चीज प्रिंट करनी है यू कैन प्रिंट इट इजली यूज प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट बट इफ यू प्रिंट इट बट यू कैन राइट इट फ्रॉम योर ओन साइड बिकॉज इट इज नॉट सो लार्ज नंबर इफ यू हैव टू प्रिंट इट थाउजेंड टाइम्स देट कैन यू डू तब तो आप इस स्टेटमेंट को थाउजेंड टाइम्स नहीं लिख रहे होंगे ना तो उस टाइप में हम क्या कर रहे होंगे उस टाइम में हम लोग कैसे इसको लिखेंगे कैसे इसको प्रिंट करेंगे ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपके लूप के अंदर तो लूप्स बेसिकली क्या है जब हमको किसी एक प्रोसेस को बार बार करना होता है सेम प्रोसेस हमको रिपीटिंग मोड में करनी होती है रिपीटिंग प्रोसेस हमको जब करनी होगी तो हम क्या करेंगे लूप्स का यूज करके अपने काम को निकाल रहे होंगे लूप लगाएंगे और सिंपली थाउजेंड टाइम्स को हम चीजों को प्रिंट कर लेंगे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं द रिपीटिव ऑपरेशन इज डन थ्रू ए लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ठीक है ये आप स्पेसिफाइड नंबर के लिए कर सकते हैं स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए कर सकते हैं कि इतने टाइम तक आपको ये प्रिंट करना है सो so बेसिकली आप ये देख लेते हैं सी के अंदर लूप के टाइप कितने हैं। okay, तो language, ठीक? ये समझते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी लैंग्वेज तो सी लैंग्वेज में जो लूप्स के टाइप है बेसिकली जो फर्स्ट है आपका वो है फॉर लूप सेकेंड है आपका वाइलू और जो थर्ड है आपका वो है आपका डू वाइलू डू वाइल लू तो ये आपके तीन टाइप के हमारे टोटल लूप्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर अब हम एक एक करके इनको समझते हैं और इनके बारे में डिस्कशन करते हैं आज हम लोग जो कवर कर रहे होंगे बेसिकली वो होगा हमारा वाइलू नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा वो फॉर लूप पे होगा उसका जो नेक्स्ट होगा फॉर लूप और डू वाइल को हम एक वीडियो के अंदर ही कवर कर देंगे तो आज का वीडियो बेसिकली सिर्फ लूप के लिए होगा जो नेक्स्ट वीडियो कल आने वाला होगा उसमें फॉर लूप लूप और डू दोनों हम आपको करा रहे होंगे यहाँ पे ई छूट गई सॉरी तो ऐसे होगा ठीक है तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं और समझने की करते हैं कोशिश करते हैं कि वाइड लूप बेसिकली है क्या तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई लूप और इसको बेसिकली समझेंगे तो ये वाइल लूप का बेसिकली यूज होता कब है ये बेसिकली यूज होता है किसी चीज को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स जब हमको करना होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ठीक है तो गैज इसके आप लोग नोट्स खुद से बनाते चले जो मैं लिखा रहा हूं उसको आप लोग तो कॉपी पे लिख लिया कीजिए क्योंकि नोट्स मैं जो दे रहा हूँ वो आपको उसमें होंगे और जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा ठीक है तो जब किसी भी चीज को आपको फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं वाइल लूप का यूज कर रहे होते हैं अब वाइल लूप का यूज होता कैसे है ये समझते हैं सबसे पहले जैसे आपको क्या करना है एक चीज को प्रिंट करना है दस टाइम ठीक टोटल टेन टाइम्स प्रिंट करना है तो टोटल टेन टाइम्स कैसे प्रिंट कर रहे होंगे सिंपली जो इसका सिंटैक्स होता है वो ये होता है तो आप क्या करेंगे एक वेरिएबल लेंगे उसको आप लोग वन से शुरू करेंगे और देखेंगे कि जब तक काउंट की जो वैल्यू है हमारी वो लेस देन आर इक्वल टू टेन हो रही हो तब तक आपको क्या कर देना है प्रिंट करते रहना है सिंपली जो स्टेटमेंट आपका अंदर लिखा हुआ है ठीक है तो बेसिकली होता यही है कि जैसे इस वाइल के अंदर जो सेंटेक्स है इधर समझते हैं सिंटेक्स इसका ये है कि व्हाइल के अंदर जो आपको कंडीशन डालनी है वो इस हिसाब से डालनी है कि जो जितनी बार उसको करना है उस हिसाब से वो कर रहा हो जैसे यहाँ पे आपको 10 टाइम्स करना था तो आप लोग देखेंगे कि जब तक जो वेरिएबल आपने बनाया है उसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10 होती रहे उतने तक ये प्रिंट करता रहे आपको ये नहीं डालना है कि ये ना हो आपको बेसिकली डालना ऐसे है कि ये जब तक होता रहे तब तक ये चीज हमारी चलती रहे जैसे जब तक ए की वैल्यू 10 से इक्वल या उससे छोटी रहे तब तक आपका जो लूप के अंदर है आप जाते रहे अंदर की जो प्रोसेस है प्रिंट करना कैलकुलेट करना वो सारी होती रहे तो ये चीज अपन ने समझ ली कि ऐसे हम करते हैं ठीक है अब इसमें बेसिकली जो वाइल है बेसिकली इसको ये क्या है एक तरह से ये कीवर्ड है ठीक ये भी समझ लीजिए कीवर्ड मैंने बताया था वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कंपाइलर को ऑलरेडी नोन होते हैं अब इसमें एक चीज ये समझ लेते हैं जो इसका सिंटैक्स है बेसिकली उसके अंदर आपको करना क्या होता है सबसे पहले वाइल ठीक फिर कंडीशन डालनी है कंडीशन डालने के बाद आपके अंदर का जो कोड है आप इसी के अंदर लिख देंगे तो बस इसके सिंटैक्स में इतना होता है और जो आपका लूप काउंटर है मतलब अब ए की वैल्यू जैसे शुरुआत में वन से शुरू किए हैं तो ए की वैल्यू को बढ़ाना है तो वो अंदर आप लोग इसके ए जो इसको ए जो इक्वल टू जो वन लिए हैं ये बेसिकली क्या बोला जाता है लूप काउंटर इसकी वैल्यू को क्या कर रहा होगा ये इंक्रीज कर देगा ठीक है तो अब नीचे आके जब ए की वैल्यू वन हो जाएगी एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ए की वैल्यू को वन से क्या कर देंगे आप टू कर देंगे ठीक है एक वैल्यू बढ़ा देंगे ए प्लस प्लस की मदद से अब जब टू हो जाएगा तो टू के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा तो थ्री कर देंगे ठीक है यहाँ पे थ्री कर देंगे हम लोग थ्री हो जाएगा तो फोर के लिए कर देंगे ऐसे ही बेसिकली हम लोग लूप काउंटर की मदद से जो आपको करना होगा वो आप लोग कर लेंगे अब इसका अपन देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे होगा तो नेक्स्ट वो खोलते हैं पेज और समझते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा तो फ्लो चार्ट बेसिकली होगा कैसे ऐसे समझ लेते हैं देखो एक तो सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा स्टार्टिंग से शुरू होगा उसके बाद इनिशियलाइज किया जाएगा एक काउंटर वेरिएबल जैसा मैंने बताया था ए हमने दिया था अपने अभी जो प्रोग्राम बताया उसके बाद क्या है आपका सिंपली ठीक जो काउंटर वैल्यू टेन से छोटी है कि या उसके बराबर है नहीं है अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो क्या कर रहे होंगे अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो क्या कर रहे होंगे तो अगर आपका स्टेटमेंट हो तो ट्रू तो होता है बॉडी ऑफ द लूप ठीक है आपको लूप की जो बॉडी है उसके अंदर जैसे स्टेटमेंट है प्रिंट करना है वो प्रिंट कर रहे होंगे अगर फॉल्स हो गई है कंडीशन तो क्या करना है सीधे आपको लूप से बाहर आके सीधे कहा जाना है टेस्ट वाली कंडीशन पे दोबारा इंटर करना है टेस्ट वाली कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली रन करेगा नहीं अब जब बॉडी की लूप की बॉडी के अंदर आएंगे तो बेसिकली क्या करेंगे इंक्रीमेंट कर देंगे इंक्रीमेंट करने के बाद ठीक है तो जैसे यहां पे जब इंक्रीमेंट कर देंगे तो इंक्रीमेंट करने के बाद क्या करेंगे इसको सिंपली फिर से यहां लाके दोबारा कंडीशन चेक करेंगे और फॉल्स अगर कंडीशन हो जाती है तो मैंने जो यहां पे बताया इनिशियल यहां पे आपको आना नहीं है तब ठीक है ये मैंने बेसिकली इसलिए बताया था कि यहाँ पे आते हैं क्यों आते हैं टेस्ट कंडीशन चेक करने के लिए अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है आपको कुछ नहीं करना है सिंपली यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा कि ये होता है बेसिकली तो इसमें हुआ ये कि टेस्ट कंडीशन अगर आपकी है तो आपका कोड यहीं से स्टॉप हो जाएगा अगर ट्रू है तो आप क्या करेंगे लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे उसमें जो स्टेटमेंट होंगे वो आप एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे इंक्रीमेंट करने के बाद क्या करेंगे दोबारा कंडीशन जाके ऊपर चेक करेंगे कि क्या एक की वैल्यू जैसे वन की बात टू हुई थी तो टू टेन से छोटी है उसके बराबर है तो फिर से अंदर कर जाएंगे तो ये बेसिकली था इसके बारे में कि इसका जो फ्लो चार्ट होगा बेसिकली वो कैसा हो रहा होगा ये मैंने आपको बता दिया अब नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे होता है थोड़ा इसको डार्क उसमें लेते हैं और आपको समझाते हैं तो ये ले लिए अब चलते हैं देखते हैं चल के कैसे करना है तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो अपन समझ लेते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी बेसिकली तो जनरल फॉर्म जो इसकी होगी तो सबसे पहले क्या करना है इनिशियलाइज करना है आपको लूप काउंटर को इनिशियलाइज लूप काउंटर ठीक है लूप काउंटर को इनिशियलाइज कर दीजिए उसके बाद क्या करना है वाइल्ड लिखना है कीवर्ड टेस्ट लूप काउंटर यूजिंग ए कंडीशन टेस्ट लूप काउंटर यूजिंग ए कंडीशन कि कंडीशन जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर टेन से छोटी है वैल्यू या उसके बराबर है तो वो कंडीशन आप लोग यहाँ पे वाइल के अंदर लिख रहे होंगे उसके बाद अंदर क्या आना है आपको जो चीज करनी है डू दिस ठीक ये करना जैसे प्रिंट करना एंड दिस ये कर लेना आग, प्रिंट कर लेना या फिर कुछ कैलकुलेशन कर लेना जो भी एक्स वाई जेड अंदर प्रोसेस है आप कर सकते हैं उसके बाद क्या करना है सिंपली आपको लूप काउंटर को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब अगर ज्यादा से शुरू कर रहे हैं तो आप लोग बढ़ाएंगे वैल्यू अगर मान लीजिए आपने टेंथ से शुरू किया है तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी जैसे वैल्यू वन से या उससे से जब तक बड़ी रहेगी तब तक आपको कंडीशन चेक करनी है तो उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे आप लूप काउंटर की वैल्यू को घटा रहे होंगे तो शुरुआत जैसे टेन से करेंगे तो कहाँ पे आएंगे नाइन नाइन से एट ऐसे ऐसे करते करते आप लोग कहाँ पे आ जाएंगे वन पे आ जाएंगे ठीक है तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है लूप काउंटर को और उसके बाद सिंपली आपका क्लोजिंग लगा देना है तो अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिक इसका जो जनरल फॉर्म है वो ये हो रहा होगा ठीक है अब एक चीज स्टेटमेंट स्टेटमेंट और दिया जाता है है कि जो आपका लूप के अंदर वो तब तक चलता रहेगा लूप की बॉडी के अंदर जो आपने लिखा है डू दिस एंड दिस और ये इंक्रीमेंट जब तक आपकी ये वाली जो कंडीशन है ठीक है इसके अंदर लिखे हैं जो वाइल के अंदर ये कंडीशन जब तक आपकी ये कंडीशन सही होती रहे, हो रहेगी आपका जो लूप है बेसिकली वो चलता रहेगा ठीक है अब दूसरी चीज ये समझते हैं, समझते हैं इसमें कि जो कंडीशन आप दे रहे हैं वो एक वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए ठीक है अब वैलिड एक्सप्रेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि अगर मान लिया आपने कंडीशन ऐसे दे दी कि जो एग्जीक्यूट करने में ही प्रॉब्लम है जैसे लिखे आप जे इज इक्वल टू टेन ठीक एंड एंड b इज इक्वल टू फिफ्टीन अब इसी के साथ में और ऑपरेटर लगा के लिख दिए सी सी इज लेस देन ट्वेंटी आपके ये तो तीन ऑपरेटर्स ये आ गए ठीक और एक ऑपरेटर ये एक ऑपरेटर है तो इतने ऑपरेटर्स को आप एक साथ ऐसे यूज नहीं करेंगे अगर आपको करना भी है तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या दे देगा सिंटैक्स एरर मिल रही होगी ओके तो सिंटैक्स एरर से बचने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा एक वैलिड स्टेटमेंट अपने वाइल्ड की जो कंडीशनल वो स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको यूज करना होगा नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं कि जैसे बोला जाता है कि जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं लूप के अंदर अगर वो सिंगल ब्लॉक में है जैसे आपने कंडीशन लिखी कि अगर हमारे जो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू है टें से छोटी उसके बराबर है और तब आपको क्या करना है प्रिंट करना है सिर्फ बेसिकली कि कोड फॉर मोड लिख लेते हैं कोड फॉर मोड ठीक है अगर ऐसा आपको करना है तो कैसे आप कर रहे हो तब आपको ये जो आप चाहें तो लगाएं ये वाला स्टेटमेंट के लिए जो ये लगाते हैं ठीक है ये सेमी कॉलन आप चाहें तो लगाएं और अगर आपका मन नहीं है तो आप लोग नहीं लगा सकते हैं बेसिकली ठीक है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है जब आपके लूप के अंदर सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है तो उस टाइम पर आपका अगर मन कर रहा है तो आप लगा सकते हैं बेसिकली वो जरूरी नहीं होता है मैं ये बताने को आपको चाह रहा हूं ठीक है और सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा भी नहीं वाई लूप के अंदर बेसिकली बात तो सही ये है क्योंकि आपको क्या करना होता है यहाँ पे वैल्यू को बढ़ानी होती है या तो फिर यही करिए कि वैल्यू खाली लूप ही चलाते रहना है तब आप ये कर सकते हैं ऐसे कि वैल्यू को बढ़ा दो अब इसका भी मतलब समझ लेते हैं कि ये जैसे लिख दिया जाए या तो ए प्लस प्लस लिख दिया जाए या ए इज इक्वल टू ए प्लस वन लिख दिया जाए दोनों का मतलब हमारा सेम ही होता है अगर यहीं पे दो वैल्यू बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा रहे होंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस टू कर देंगे दो दो वैल्यू करके आपको काउंटर वेरिएबल की बढ़ानी है तो ऐसे बढ़ाएंगे अगर आपको एन टाइम्स वैल्यू बढ़ा के चलनी है तो आप लोग सिंपली जो आपका जनरल स्टेटमेंट होगा वो ये होगा ए इज इक्वल टू ए प्लस एन ठीक है तो ऐसे करके आप लोग इसकी वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट ये जब देखते हैं कि आप कंडीशन जो इसमें लगा रहे हैं बेसिकली उनका क्या है कि वो अगर फॉल्स हो जाती हैं तो आप लूप के बाहर आ जाते हैं ठीक है लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती ही नहीं है तब क्या हो रहा होगा मान लिया यहीं पे हम देखते हैं ए इज अगर जैसे मान लिया कुछ भी एक्स वाई जेड डाल दें कि वाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर ऐसी शर्त है और हमने एक की वैल्यू को शुरू कहां से किया है वन से किया है तो अंदर क्या करते हैं प्रिंट करते है, करते कोड फॉर मोड ठीक है तो अब एक की वैल्यू वन से शुरू हुई है ठीक है तो अब ये वैल्यू ये यहाँ पे सॉरी ये खाली जीरो होगा ठीक है वो ये वन नहीं होगा तो हम ये देखेंगे देखना हमें कंडीशन ये चेक करना है कि एक की वैल्यू जीरो कभी ना हो तो ऐसी कंडीशन में जब वन से शुरू किए हैं और वैल्यू को बढ़ाते ही जा रहे हैं तो क्या कभी ये वैल्यू जीरो होगी नहीं होगी तो ये लूप क्या करता रहेगा रन ही करता रहेगा रुकेगा नहीं लूप तो ऐसी जब कंडीशन आ जाती है कि आपका लूप रुकता नहीं है लगातार एग्जीक्यूट होता रहता है कंटिन्यूसली तो ऐसे जो लूप को क्या हम लोग बोलते हैं आपका इनफाइनाइट लूप ठीक है तो ऐसे लूप्स को बेसिकली क्या हम लोग बोल रहे होते हैं इनफाइनाइट लूप तो ये हमने समझ लिया इनफाइनाइट लूप बेसिकली क्या होता है जब आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट होती ही रहे रुके ना कंडीशन आपकी कोई उसको कंडीशन का फॉल्स होने का स्टेटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाए ठीक है स्टेटमेंट आपको ना मिले आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उस टाइम पे जो आपका लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स रन करेगा ठीक है तो ये मैंने आपको बेसिकली एक और चीज बता दी अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अगर आपका जो आप लूप काउंटर ले रहे हैं तो मैंने बताया उसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं ठीक है तो डिक्रीमेंट में एक चीज या तो ऐसे डिक्रीमेंट करेंगे अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है जितना आपको घटाना है टू घटाना है तो अगर टू डिक्रीमेंट करके चलना है तो आप ऐसे करेंगे अगर एन टाइम्स डिक्रीमेंट करके चलना है तो ऐसे चलेंगे तो ये मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि आप ऐसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं दोनों चीजें आपकी सही है ठीक है आई आई माइनस माइनस और आई इक्वल टू आई माइनस वन दोनों कंडीशन आपकी सही है अब अब एक चीज और है जैसे अभी मैंने काउंटर वेरिएबल जो बनाया था जैसे इंट ए इज इक्वल टू टेन बनाया था तो ये जरूरी नहीं है कि आपका जो काउंटर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंट ही हो इंटीजर डेटा टाइप ही हो आप अगर चाहें तो अपने डेटा टाइप को फ्लोट भी बना सकते हैं फ्लोट बना सकते हैं ठीक है तो फ्लोट कैस बना लेंगे क्योंकि दिक्कत ये है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इंटीजर जो जो काउंटर वेरिएबल ले रहे हैं वो आपका इंटीजर डेटा टाइप का ही हो ठीक है तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा ये कोई हमारा बेसिकली नियम नहीं है ये भी सही है और आप अगर इसका यूज करेंगे तो अपनी कंडीशंस के हिसाब से आप लोग यूज कर पाएंगे ठीक अब नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं इसी में कि जैसे अगर वाई लूप लगा रहे हैं तो बेसिकली उसके अंदर कैसे उसके प्रोग्राम्स को हम लोग लिख रहे होंगे ये समझते हैं कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करते हैं तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो एक कोड लिखते हैं जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस पहले लिख लेते हैं और उसके अंदर हम लोग कोड्स देखते हैं कुछ ठीक है तो जैसे ये आपका मेन फंक्शन हो गया आप लोग वो हेडर फाइल्स आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा वो अब मैं नहीं कराने वाला यहाँ पे तो एक हमने जैसे ले लिया काउंटर वेरिएबल वन उसके बाद हमने क्या किया नेक्स्ट चीज ले ली आई इज लेस देन आर इक्वल टू टेन ठीक है अब प्रिंट एफ क्या करना है प्रिंट एफ आपको करना है परसेंट डी ठीक है और परसेंट डी कौन सा होगा वो हमारा बेसिकली बैक लेस एन लगा लेते हैं यहाँ पे आई आपको आई की वैल्यू प्रिंट करनी है और जब आप आई की वैल्यू प्रिंट कर दें उसके बाद क्या करते हैं आई की वैल्यू को बढ़ा दें तो इस कंडीशन में आपका जो ये ये प्रोग्राम है ये क्या प्रिंट कर रहा होगा बेसिकली क्वेश्चन ये है, ठीक है तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि क्या प्रिंट हो रहा होगा बेसिकली आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है क्या प्रिंट करेगा ठीक है तो अब ये देखते हैं कि आप लोग मैंने जूम कर लिया कि आप लोगों ने सोच लिया होगा तो i की देखो शुरू करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना i की वैल्यू हमारी वन थी अब हम लोग देखेंगे कि i की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया बढ़ा लिया आई की पहले चेक करेंगे आई की वैल्यू वन है इधर एक ऐसे आप समझते हैं टेबल बना देते हैं एक तरफ आपकी आई की, की वैल्यू है ठीक आई की वैल्यू वन थी चेक किए क्या वन जो है हमारा वो टेन से छोटा या उसके मतलब छोटा या उसके जो इक्वल है हाँ छोटा है तो कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो गई ट्रू हो गई तब अब ये क्या हो रहा होगा अंदर आ रहा होगा ठीक अंदर आएगा तो क्या करेगा एफ करेगा परसेंट डी की जो वैल्यू है आई उसको ये प्रिंट कर रहा होगा बेसिकली तो ये यहाँ पे हो जाएगा आई की वैल्यू को सबसे पहले आउटपुट में वन आएगी अब आई की वैल्यू को क्या कर दिए हम टू कर दिए अपन तो जब टू कर दिए तो टू करने के बाद ये बेसिकली करेगा क्या हमारा जो कंडीशन है उसको चेक करेगा कि क्या कंडीशन हमारी सही है हाँ कंडीशन सही है तो कंडीशन जब सही है तो ये बेसिकली करेगा क्या टू की भी वैल्यू ऐसे प्रिंट कर देगा तो ये कहां तक जाएगा जब आपकी वैल्यू टेन हो जाएगी तो टेन पे देखेगा टेन इसके इक्वल छोटा है हाँ यहां पे सही है तो टेन प्रिंट कर देगा ऐसे वन से लेके टेन तक की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएंगी अब नेक्स्ट चीज क्या कर रहे होंगे अपन इलेवन यहीं पे अग, अब एक बार और वैल्यू बढ़ेगी अब ये देखेगा क्या आई की वैल्यू टेन से छोटी या उसके इक्वल है नहीं है तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो यहीं से आपका लूप स्टॉप हो जाएगा ठीक अब ये समझ लिया कि ऐसे होता है अब एक आपको मैं कोड दे रहा हूं। आप लोग इसी को करिएगा जैसे मैंने दे दिया आपको वाइल आई लेस देन आर इक्वल टू मान लिया फिफ्टी ठीक है और उसके बाद इसी में लिख दिया डी आई तो बेसिकली ये बताइएगा ये वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा होगा आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो पॉज करके तो अब इसमें दिक्कत क्या है जैसे कुछ लोगों ने प्रिंट करना शुरू आई की वैल्यू वन से शुरू किए थे ये भी बता दें तो वन से लेके कुछ लोगों ने फिफ्टीन तक वैल्यू प्रिंट कर दी होगी लेकिन दैट इज रॉन्ग एंसर वाई आपने इस पे फोकस नहीं किया जो वाइल के आगे हम ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिए हैं ये हमारा इनवैलिड सिंटैक्स होता है यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगा सकते हैं ये गलत है इट इज रॉन्ग प्रोसेस ठीक अब नेक्स्ट चीज ऐसे ही समझते हैं दूसरी चीज ठीक है अब नेक्स्ट चीज क्या समझते हैं जैसे नेक्स्ट लगा लेते हैं पेज तो नेक्स्ट चीज ये है जैसे अगर लिखा है आपके कोड के अंदर ये मेन फंक्शन है आपका ठीक है पहला कोड है ऐसे समझिएगा मेन फंक्शन आई की वैल्यू आपकी हमने इनिशियल इनिशियल वैल्यू दे दी जीरो ठीक है अब उसके बाद क्या किया हमने सिंपली कि लिखा वाइल आई प्लस प्लस इज इक्वल टू लेस देन टेन ठीक अब उसके बाद सिंपली हमने लिख दिया प्रिंट परसेंट डी बैक एन और आई की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं ठीक है तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सबसे पहले ये चेक करेगा i की वैल्यू को कंपैरिजन करना शुरू करेगा ठीक है कहां से शुरू करेगा जीरो जी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू तो प्रिंट करने के, के लिए पहले उसको वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा होगा इसके हिसाब से ठीक है तो इसमें होगा ये सबसे पहले i की वैल्यू हमारी ऐसे ही फिर से हम लोग एक सारी बना लेते हैं टेबल ठीक अब i की वैल्यू हमारी क्या थी पहली इनिशियल वैल्यू जीरो थी तो जीरो वैल्यू पे ये क्या करेगा कंपैरिजन करना शुरू करेगा तो कंपैरिजन करेगा कैसे बेसिकली कंपैरिजन ये हो रहा होगा कि i की वैल्यू जीरो है हमारी। अब जीरो पे कंडीशन तो ऐसी चेक नहीं होगी क्योंकि i की वैल्यू को आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो i की वैल्यू को इनिशलाइज करेंगे हम और उसके बाद उसको उस हिसाब से यूज करेंगे तो ये था इसके उसमें पहले जो आपका है इंक्रीमेंट होगा उसके बाद में कंपैरिजन हो रहा होगा ठीक है इंक्रीमेंट फिर कंपैरिजन, और कंपैरिजन के बाद में आपका जो है आप अगर कंपैरिजन सक्सेसफुल होता है, तो उस टाइम पर आप जो लूप की बॉडी है उसके अंदर एंटर करेंगे ठीक है तो ये कंडीशन इस हिसाब से आपकी एग्जीक्यूट होगी तो ऐसी कंडीशंस में जो आपका ये प्लस प्लस है इसको क्या बोलते हैं बेसिकली प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ये बोलते हैं बेसिकली प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर मैंने आपको ये बता दिया प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ये बेसिकली आपका होता है अब इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए ठीक है एक दो क्वेश्चंस मैं अभी ग्रुप पे भेज दूंगा वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना और समझ लेना कल के वीडियो में अपन क्या कर रहे होंगे लूप्स के बारे में जो दो लूप्स बचे हैं आपके फॉर लूप और दूसरा जो है डू वाई लूप ये दोनों आपको हम बेसिकली कवर कर रहे होंगे और आपको समझा रहे होंगे ठीक है पहला फॉर और दूसरा डू दू आई लू ठीक है और साथ में एक चीज और भी आप लोगों को बता दें कि आप लोग अपनी तरफ से जो क्वेश्चन कर रहे होंगे एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे कि टू का टेबल प्रिंट करना तो राइट ए कोड टू प्रिंट द टेबल ऑफ टू ठीक है प्रिंट द टेबल ऑफ टू ठीक दूसरा को क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है वन से लेके हंड्रेड तक की जो काउंट है आपको प्रिंट प्रिंट करनी है करना है करना से लेके हंड्रेड तक का जो काउंट होता है उसको आपको प्रिंट करना है तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है सिंपली आप लोगों को करना यह है कि एक इनफाइनाइट लूप का आप लोग प्रोग्राम अपनी तरफ से बना रहे होंगे इन तीनों प्रोग्राम को आपको करना है अगर आप ये तीन प्रोग्राम कर ले रहे हैं तो आप लोग ये समझ लीजिएगा आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो अप्रॉक्स आपको जो वाइल्ड लुक के हैं वो क्लियर हो चुके हैं ठीक है थीके? अब नेक्स्ट चीज अपन जो देखेंगे आने वाले वीडियो वीडियो के अंदर वो हो आपने तो वो होगी बताया फॉर और डू तो आगे में देखेंगे उसको उसमें समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ठीक है गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बाकी चीजें समझेंगे तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी थैंक यू गाइज और एक बात और बता दें साथ में कि अगर गाइज आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिए कर, दी, कर दीजिए और साथ में आप लोग अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके ठीक है तो इतना ही कहना था गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय